हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो वॉलंटियर है उसकी प्रोफाइल को अपडेट करने का कोड लिखेंगे। पहले तो हम अपडेट करने से पहले हम प्रोफाइल को डिस्प्ले कर देंगे, मतलब यूज़र ने साइन अप करते समय जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब हमें फॉर्म में डिस्प्ले करना है। ओके, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमने कोई लिंक नहीं दिया है, तो हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। टेम्पलेट्स में जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, एंड यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर डॉट HTML, प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं HTML पेज हमारा बन चुका है। अब इसका URL पैटर्न हम यहाँ पे बता देंगे। तो इस URL पैटर्न को मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर। ठीक है, इसी नाम का मैं फंक्शन भी क्रिएट कर लूँगा व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इसी नाम का हम फंक्शन बनाएंगे, एंड यहाँ पे भी मैंने लिखा प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन था उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये वॉलंटियर होम का फंक्शन है, डोनर रजिस्ट्रेशन, वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन हमने कहाँ बनाया वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन का फंक्शन था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन फंक्शन को कॉपी कर लिया, क्योंकि कुछ कोड हो सकता है हमें इसमें से मिल जाएगा, जो हमारी ज़रूरत का है वो कोड इसमें हमें मिल जाएगा, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर, प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर। एंड यहाँ पे हम रेंडर करवा देते हैं प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, हमारे पास जो वॉलंटियर का बेस वाला पेज है जिसमें हमने सारे लिंक्स वगैरह दिए हैं रिडायरेक्ट के लिए, उसमें जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमने कलेक्शन हिस्ट्री को रखा था, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल, तो यहाँ पे हमें URL पैटर्न देना है। ठीक है, URL का, ठीक है, यहाँ पे हमें URL बताना है, तो यहाँ पे हमने दो बार परसेंटेज लगा दिया एंड देन आफ्टर URL, और उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया वॉलंटियर अंडरस्कोर, सॉरी, प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हालांकि हमने पेज में कोई डिज़ाइन नहीं किया है, तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये आप देखो, ब्लैंक पेज आ गया। ओके, तो अब मैं वॉलंटियर का कोई भी यहाँ पे पेज ले लूँगा, जैसे वॉलंटियर का होम पेज है। ठीक है, तो ये वॉलंटियर का जो होम पेज था, पहले तो मैंने उसका कोड कॉपी करके प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर में पेस्ट कर दिया, ताकि जो बेस पेज के अंदर हमारा डिज़ाइन था वो यहाँ पे आ जाए, मतलब साइड बार आ गया एंड ऊपर जो टॉगल बटन था वो आ गया एंड लॉग आउट का जो बटन था वो आ गया।
उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक साइनअप फॉर्म बनाना है, ठीक है। मतलब एक साइनअप फॉर्म की तरह ही हमें जो एडिट वाला फॉर्म है वो बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा साइनअप वाला फॉर्म था वॉलंटियर का, ठीक है, आप देखो वॉलंटियर के लिए हमने यहाँ पे ये साइनअप वाला फॉर्म बनाया था, तो इसी में से कुछ पार्ट हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये डिव है, डिवीज़न से लेके मैं क्या कर रहा हूँ, वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन, मतलब वॉलंटियर का जो साइनअप वाला पेज था वहाँ से मैं कोड को कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दिया, ये जो हमारा डिव स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, पूरे एंड तक मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड था वो भी हम कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर लिया। तो वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको समझ में इजीली आ रहा होगा, एंड अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको चीज़ें क्लियर ना हो, ठीक है। ऊपर ब्लॉक मेन स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में एंड हो रहा है, परफेक्ट है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा यहाँ पे डिज़ाइन आ गया, तो ये भी ठीक है। मार्जिन ऊपर से कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, या प्रॉपर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ, मार्जिन 2 दे दिया, ठीक है, ओके। तो अब ये सारी फील्ड्स तो यहाँ पे आ गई, अब इसमें हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो डेटा कहाँ से आएगा, व्यूज से आएगा। तो ये हमारा फंक्शन है प्रोफाइल अंडरस्कोर वॉलंटियर। तो सबसे पहले तो जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसका हमें डेटा गेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो इन दो लाइंस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक चेक लगा देते हैं कि यूज़र अगर ऑथेंटिकेट है तो अंदर आएगा, अदरवाइज वापस पहुँच जाएगा वॉलंटियर लॉगिन वाले पेज पे, ओके। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, करेंट यूज़र का डेटा प्रिंट करवाना है, मतलब जिसने लॉगिन किया है। तो करेंट यूज़र हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र लिखा तो जो करेंट यूज़र है वो हमें मिल जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। एंड देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको पता है कुछ डेटा मैंने रखा है यूज़र मॉडल के अंदर, एंड बाकी का जो डेटा है वो वॉलंटियर के अंदर है, वॉलंटियर मॉडल जो हमने बनाया था उसके अंदर है। तो हमने करंट यूज़र को गेट कर लिया, एंड उसके थ्रू हम वॉलंटियर को गेट कर लेंगे। तो वॉलंटियर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड यहाँ पे हमने कंपेयर करवा लिया यूज़र से, ठीक है। तो ये करंट यूज़र हमें मिल जाएगा, करंट वॉलंटियर यूज़र। एंड अब इसकी इन्फॉर्मेशन को हमने लोकल्स के थ्रू पास कर दिया है, एंड उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन वाले पेज को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। हमें तो काम करना है प्रोफाइल वॉलंटियर के अंदर, यहाँ पे आईडी की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फॉर्म में हमने दिया है मेथड, इंक्रिप्शन टाइप, नेम, नेम की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऑन सबमिट हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने पासवर्ड चेक करने के लिए लगाया था, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड चेक करने के लिए, बट अभी यहाँ पे कोई पासवर्ड का तो वर्क हो नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट नेम को प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। जैसा भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है एज इट इज सबको रखते हैं, बस लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। मतलब टेक्स्ट बॉक्स में पहले से कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, फर्स्ट नेम, जो करेंट यूज़र है जिसने लॉगिन किया है उसका फर्स्ट नेम ऑलरेडी हम इसमें डिस्प्ले कर देंगे। तो हमने लिखा वॉलंटियर, क्योंकि डेटा हमने गेट किया है किसमें, वॉलंटियर के अंदर। ये हमारा लोकल वेरिएबल जो था वो क्या है, वॉलंटियर, वॉलंटियर के अंदर डेटा आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉलंटियर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम,
ठीक है, अब जो नाम था वो तो यूज़र मॉडल में था, फर्स्ट नेम फील्ड के अंदर। तो वॉलंटियर से हमने एक्सेस किया यूज़र को एंड उसके बाद फर्स्ट नेम को। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, आप देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ चुका है। तो यही प्रोसेस करना है। इस लाइन को मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने फर्स्ट नेम प्रिंट करवाया, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूज़र नेम। ईमेल आईडी को हमने किस वाली फील्ड में रखा था, यूज़र नेम फील्ड के अंदर। एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन को मैंने वॉलंटियर मॉडल के अंदर ही रखा था, उसको मैंने यूज़र मॉडल में नहीं रखा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं वॉलंटियर डॉट कॉन्टैक्ट लिखूँगा। आप देख भी सकते हैं मॉडल्स के अंदर, अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉन्टैक्ट फील्ड वॉलंटियर के अंदर ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉलंटियर डॉट कॉन्टैक्ट। पासवर्ड को हमें प्रिंट करवाना नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड को मैंने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद यूज़र पिक, ठीक है, तो यहाँ पे 6 साइज का यूज़र पिक दिया हुआ है, एक डिव बना हुआ है, 6 साइज हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार फिर से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे तो हम यूज़र का पिक इनपुट करवाएंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र का पिक डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये लेबल और इनपुट को मैं हटा देता हूँ। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम IMG का यूज़ कर लेंगे, IMG टेक का। तो IMG SRC, मुझे क्या दिखाना है, यूज़र का पिक डिस्प्ले करना है। तो मैंने लिखा IMG SRC एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोकेशन बता देंगे जो हमारा डेटाबेस से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉलंटियर डॉट यूज़र पिक। ठीक है, जो फील्ड्स मैंने यूज़ की हैं मॉडल्स के अंदर उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो यूज़र पिक हमने यूज़ किया था, बट पिक को डिस्प्ले करते समय फील्ड का नाम, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, URL लिखते हैं। फिर उसके बाद कुछ इसका विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। तो विड्थ मैंने रख दिया इसका 100%, नो 100 रख दिया, 100 पिक्सल, एंड हाइट भी 100 पिक्सल। एक बार इतना चेक कर लेते हैं। ओके, पिक भी आ गया, बाकी सारा डेटा भी आ रहा है। अब इसी तरह आईडी प्रूफ, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे आईडी प्रूफ का भी जो इमेज है वो प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं कि पहले इमेज दिखा देते हैं और फिर उसके बाद आईडी प्रूफ लेने के लिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, मतलब इनपुट टाइप फाइल को हमने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र पिक की जगह हम देख लेते हैं क्या फील्ड हमने यूज़ किया था, आईडी पिक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आईडी पिक। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो ये कुछ इस तरीके से आ गया। देन आफ्टर हमें एड्रेस को प्रिंट करवाना है एंड उसके बाद अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे आप देखो एड्रेस, एड्रेस के लिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, तो टेक्स्ट एरिया में डेटा प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे करवाना पड़ेगा हमें टेक्स्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते। यहाँ पे हम जो टेक्स्ट एरिया ओपन क्लोज है उसके बीच में आके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा वॉलंटियर डॉट एड्रेस। सिमिलरली यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ में जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वो हम दिखा देंगे, वॉलंटियर डॉट अबाउट मी। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर दिया,
तो ये सारा डेटा इसमें फिल्ड आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ईमेल आईडी है उसको कोई एडिट ना कर पाए, बाकी सब एडिट हो पाए, ईमेल आईडी को हम एडिट नहीं करवाना चाहते हैं, तो उसको मैं रीड ओनली कर देता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, तो यहाँ पे इसको मैं रीड ओनली लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब इसको केवल रीड कर पाएंगे बट इसको कोई एडिट नहीं कर पाएगा, ये नॉट एडिटेबल है। अभी तो ये एडिट हो रहा है, तो इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने रीड ओनली लगा तो दिया है, सॉरी ये गलत जगह पे हमने लगा दिया, ये हमें लगाना था, नहीं ये सही जगह पे है। ठीक है, आई थिंक वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम कुछ भी चेंज करते हैं तो रीलोड होता है। ओके, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देखो ये रीड ओनली हो चुका है, कलर भी इसका बदल ही गया है, अब यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमारा आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, यूज़र पिक, आईडी पिक, एड्रेस एंड अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, अब इसका जो अपडेशन वाला कोड है, कैसे इस कोड को अपडेट करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।